हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जब भी एक्सेल में आपको इस तरह का कैलकुलेशन करना हो, जैसे मान लीजिए यहां पर दी गई है बेसिक सैलरी, ठीक है, तो बेसिक सैलरी तो दी गई है, अब इसको कन्वर्ट कर इसको इसको जो है पहले तो हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा करेंसी, क्लिक कर देंगे, देखिए रुपीज में कन्वर्ट हो गया। अब हमको इसके लिए एचआरए निकालना है, तो 5% एचआरए है, बड़ा आसान है, इसको इज इक्वल टू लगाइए, क्योंकि फंक्शन फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और इस अमाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसका सेल एड्रेस आ गया A2, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 5% से, क्योंकि एचआरए 5% है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एचआरए आ गया आपका, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं तो सबका आ जाएगा, फिर हम इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर हम इसी बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने से, 18% से, 18% यानी कि यहाँ पे 18% हमने लिख दिया और एंटर किया तो यहाँ पे डीए आ गया, देख सकते हैं ये डीए है। और फिर यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की बात है, तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी, तो ग्रॉस सैलरी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक सैलरी, ये जो बेसिक सैलरी है पहले इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर बेसिक सैलरी प्लस ये आपका एचआरए और प्लस इसमें कर देंगे हम डीए, तो इन सबको जोड़ करके ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। तो ये है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर पीएफ है, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी में से 12% जो है निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 12% किया और एंटर किया तो ये आपका पीएफ बन गया। और पीएफ बनने के बाद यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नेट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए, नेट सैलरी को भी कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। यहाँ पर हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसमें से हमें पीएफ को माइनस कर देना है, यानी कि ये जो ग्रॉस सैलरी है माइनस पीएफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट सैलरी आ जाएगी। तो ये बनी नेट सैलरी, देख सकते हैं ये नेट सैलरी है, और उसको ड्रैग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कीजिए और अल्ट एच डी ए कर दीजिए, ये बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है।